नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स और मैं कीर्ति वर्णुला करती हूँ शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। इन दिनों शिवपाल सिंह यादव काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी पर निशाना साधने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। शिवपाल ने कहा कि रघुराज शाक्य को पहले मेरी ही कृपा से टिकट मिला करता था। इसके बाद शिवपाल ने कहा कि वो मुझे अपना गुरु बताता था, अगर कोई शिष्य होता तो बिना गुरु की आज्ञा के कहीं पर भी नहीं जाता। शिवपाल ने यह भी कहा कि बार लोगों को डिंपल को ऐसे वोट देना है कि बीजेपी के प्रत्याशी की जमानत भी ना बचे। और क्या कुछ कहा शिवपाल सिंह यादव ने, आप भी सुनिए। यहाँ जो प्रत्याशी चल रहा है बनाया और किला से इस्तीफा दिलाकर एमपी भी राम सिंह शाह की टिकट काट करके इसको मेरी ही सिफारिश है, इसको पहला चुनाव लड़ने को मिला। दूसरी बार भी इसका टिकट काटा जा रहा था। मैंने कहा था सब जगह से अगर हार के भी आएगा जसमन नगर अकेला इसे जिता देगा, हमारी गारंटी पर टिकट मिला। फिर विधायक भी मेरी सिफारिश पे बना और कह रहा है कि हम फिर से कहना है कि हम फिर से अच्छा फिर से अगर सही शिष्य होता है तो सही शिष्य होता है तो गुरु को छोड़ के नहीं जाता नहीं जाता। और अगर कहीं जाता है तो गुरु से आज्ञा लेता है। अब पूछना हमसे क्या आज्ञा लेके गया, अगर आपको गुरु कहता है बताइए। जब इसकी टिकट कटी तब किसका बेटा राम सिंह का बाद, और राम सिंह का जब टिकट कटा था इसकी राम सिंह साथ के पूरे परिवार ने मदद की। और जब राम सिंह का बेटा इटावा सर्वे साथ चुनाव लड़ रहा था तब बताइए इसने हरवाने का काम किया। तो बताइए जब अपने समाज का प्रत्याशी था उसे हराने में लगा था तो अपने समाज का भी नहीं हुआ तो ये फिर किसी का नहीं हो सकता। गुरु का नहीं हो सकता, अपने समाज का नहीं हो सकता है तो बताओ किसी को हो सकता है। खेड़ा धौलपुर आ रहे हैं, नहीं हो सकता। खेड़ा धौलपुर आ रहे हैं, इसलिए हम बताना चाहते हैं ये महत्वपूर्ण चुनाव है। और ये चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, बताइए जनता के में एक भी काम किया, क्या हाल है ये भी खास क्या कहां पहुंचे है। और बताइए लाइन लगाना पड़ती है, लाइन सुबह से शाम तक लगाने के बाद धक्का खाने के बाद पुलिस की गाली सुनने के बाद बताओ खर्च की गोली मिलती है। और सो कीमत कितनी, 13 से 50 के साथ साथ 13 से 50 के बाद एक बोतल हो और बोतल की कीमत 250 रुपए कितना हो गया 1600। और 1600 के बाद आधार कार्ड एक 100-200 रुपए और देना पड़ता 1800 रुपए। अब बताइए ये खाद डाल करके फिर क्या बचे। और फिर इसके बाद दिन भर काम, रात को गाय और सांड रखाओ और अगर सो गए तो फसल साफ, सो गए तो फसल साफ। तो ये है कि नहीं है, बताइए। फिर बिजली की कितनी दिक्कत, बिना बिजली के तो अब कम चल नहीं सकता, मोबाइल भी चार्ज करना है। तो बताइए ये परेशानी है बिजली की, कितने छापे कितने जुर्माने एफआईआर के साथ साथ वसूली। और जसमन नगर का एसडीओ प्रत्येक दिन
2 लाख रुपए की वसूली करता है, लगभग 2 लाख की वसूली। एक महीने में 7 लाख की वसूली। जसमंत नगर का SDO और कभी रात के 12 बजे छापा, कभी सवेरे 4 बजे छापा और कनेक्शन पास कर फिर पैसे दो, सेटिंग करो, रुपए दो 15,000-20,000 और जुर्माना, नहीं तो जुर्माना। ये हो रहा है जसमंत नगर में, पूरे प्रदेश में ये हो रहा है। तो बताओ इनसे बेईमान ज्यादा कौन हो, इनसे भ्रष्ट ज्यादा कौन हो सकता है। मैंने तो कई बार शिकायतें भी की हैं, अब ज्यादा मैं फोन करके मुख्य अतिथि जी को बहुत कुछ बोलना, बातें तो बहुत थी। सरकार मुट्ठी भर, ये केवल सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार, केवल मुट्ठी भर पूंजीपतियों की मदद कर रही है। केवल अडानी का नाम कभी आपने सुना था 5-6 साल पहले। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।